अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड 10। एंड टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 3, पोएम, द बॉल पोएम। ओके, सो ये यूनिट में हम पहले एक चैप्टर कर गए हैं, ओके, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। ओके, उसमें से एक ब्लैक एरोप्लेन और वन इज़ अबाउट द सीगल। एंड सेकेंड वन दो पोएम है, एक पोएम लास्ट सेशन में हम कर गए हाउ टू टेल एनिमल्स, और ये वाली जो पोएम है द बॉल पोएम। ओके, सो इट्स लाइक यहाँ पर है ना, पूरी पोएम में हमें पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर दिया हुआ है। ओके, यू नो द फिगर्स ऑफ स्पीच जो लास्ट कितनी पोएम्स है उसमें हम कर गए। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल पोएम के देर इज़ अ वन बॉय who lost his ball, okay? But this ball concerned to the belonging, our belonging that we lost in our life, okay? So this poem written by John Barryman. Let's start with the poem. A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another one. Okay, ये जो boy है उसकी ball जो है वो गुम गई है, and the second thing is that he is very अपसेट, ही इज़ वेरी अपसेट। एंड अ बॉल डजेंट कोस्ट मच, अब बॉल जो है वो मैक्सिमम कितने की होगी, 10 रुपीज़ की होगी, कितनी की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। नॉट इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और वो डिफ़िकल्ट नहीं है दूसरी बॉल लेना, बाय करना, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। बट वैन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी ये बॉय अपसेट क्यों है, क्योंकि बॉल की कोस्ट इज़ नॉट मच मोर देन एनी थिंग। ओके, 10 रुपीज़ की होगी या कुछ करोड़ रुपये की तो होने वाली नहीं है। ओके, सो वो अगर लॉस हो जाए तो उसमें कुछ 10 रुपये की जो 10 रुपीज़ की जो बॉल है, अगर वो लॉस हो जाए तो इतना अपसेट नहीं होते हम। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट के वो अवेलेबल है ईजीली, फिर भी ये बॉय है वो बहुत सैड है। ओके, रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बिन लॉस, और ये पोएम को हमको पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि ये पोएम के अंदर ऐसा तो क्या है कि पूरी ये पोएट की ऐसी तो कौन सी चीज़ लॉस हो गई है। ओके, एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, एंड ये जो पोएम है उसमें हमें क्या बताया गया है, किस चीज़ का बताया गया है, किस चीज़ का लॉस हुआ है इतना बड़ा कि पोएट जो है वो क्या हो गया है, पूरा अपसेट हो गया है, डिसअपॉइंट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट द lost his ball, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there, it is in the water. Okay, what is the boy now? अभी boy कहाँ पर है? Who has lost his ball? Okay, किस तरीके से उसकी ball जो है वो किसने घुमाई? Who has lost his ball? किसने अपनी ball घुमा दी है? What is he to do? और अगर ये ball घूम गई है तो वो क्या करेगा अभी? What is he to do? I show it go merrily bouncing down the street and then merrily over. यहाँ पर I, that means के John Barryman. John Barryman यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने वो जो ball है उसको जाते हुए देखा, merrily bouncing, वो bounce करती हुई, खुशी खुशी bounce करती हुई street के end तक गई, down the street, street के end पर गई, then merrily over, और वहाँ जाकर खुशी 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 वहाँ पर चली गई एंड में, एंड देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर कहाँ पर गिर गई, और फिर पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये दिस इज़ द नो यूज़ टू से ओवर देयर आर अदर बॉल्स। अब ये ना बहुत इम्पोर्टेंस है, नो यूज़ टू से ओवर देयर आर द अदर बॉल्स, हम ऐसे उसको वो बॉय को नहीं बोल सकेंगे कि बेटा लेट इट गो ना, देर आर मोर मैनी बॉल्स अदर, ऐसा नहीं बोल सकते। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज, अभी जो उसका लॉस हुआ है ना उसकी वजह से क्या हुआ है, वो लॉस होने की वजह से उसका उसको बहुत सारा ग्रीफ है, बहुत उसको दुख है, और वो अल्टीमेट यानी लास्ट यानी जो पॉइंट होता है ना वो काइंड का उसको क्या है, बहुत दुख है ये बॉय को, ग्रीफ दैट मीन्स के दुख, सैडनेस है उसको, और ये पूरी सैडनेस उसको उसके ऊपर चिमट गई है जैसा। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वॉन्ट वेंट,
और वो क्या कर रहा है, एक जगह पर रिजिड यानी पूरा ऐसा जम के खड़ा हो चुका है, ट्रेम्बलिंग दूज रहा है और स्टेयरिंग डाउन और नीचे की तरफ कहीं देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। हार्बर किसे बोलते हैं, जहाँ पर जिस तरह से हम टू व्हीलर होते हैं ना उसको पार्क करते हैं, इसी तरीके से जो पोर्ट एरिया होता है वहाँ पर ये जो शिप्स और छोटी छोटी बोट्स होती है ना उसको वहाँ पर पार्क किया जाता है, तो वो जो जगह होती है उसको हार्बर बोलते हैं। तो उसके जो यंग डेज था, वो यंग टाइम में जब वो हार्बर यानी वहाँ पर जब वो जाया करता था, जहाँ उसकी बॉल चली गई थी, तो वो सब यादें जो है उसकी, जो जितनी भी रिकलेक्शन है उसकी, वो रिकलेक्ट कर रहा है, वो रिकलेक्ट कर रहा है उसकी जितनी भी मेमोरीज है वो वहाँ पर उसकी यंग डेज की, जितना यंग टाइम उसने वहाँ हार्बर पर जो उसने स्पेंड आउट किया था, वो सब मेमोरीज उसको चिमट गई आके। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड यानी दखल देना, बीच में घुसना, ओके। और पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं जॉन बेरीमैन कि मैं इसको यहाँ पर इंट्रूड करने वाला नहीं हूँ, बीच में घुसने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अब ये जो बॉय है वो थ्रू द बॉल वो कुछ सीखने वाला है, ओके। अ डीम अ डाइम अनदर बॉल इज वॉटलेस। डाइम दैट मीन्स के 50 पैसा यानी सेंट, हमारे यहाँ 50 पैसा दैट मीन्स के वहाँ पर सेंट, और यहाँ पर अ डीम यानी के वो सेंट का भी 10वां भाग, ओके। सो वो क्या कह रहा है कि भाई ये कितनी बॉल वॉर्थलेस है, बराबर अनदर बॉल यानी दूसरी, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी बॉल जो अगर उसके पास होगी ना वो वॉर्थलेस है, अगर तुम दूसरी भी उसको ला के खरीद के ला के दोगे तो वो वॉर्थलेस है। वो क्यों वॉर्थलेस है? क्योंकि अ डीम, डीम किसको बोला जाता है, जो सेंट होता है ना, पैसा होता है, उसका भी 10वां भाग, हाँ 10 पार्ट्स, 10th पार्ट जो होता है ना उसको बोलेंगे, तो वो कितना वॉर्थलेस होगा। पैसा ही कुछ, अभी अभी पैसा 50 पैसा में बोलूँगी तो अभी 50 पैसा में क्या मिलता है टीचर, आप ऐसे बोलोगे, ओके। तो ये 50 पैसा जो है उसका भी 10th भाग जो है उसको डीम बोला जाता है। तो वो जितना वॉर्थलेस है, जितना उसकी कीमत नहीं है, वॉर्थ यानी कीमत, लेस यानी कीमत नहीं होना, उतनी ही दूसरी बॉल उसके लिए वॉर्थलेस है, उसको तो यही बॉल चाहिए। Now he senses first responsibility. अभी वो जो उसकी बॉल घूम गई है ना, तो after losing his ball, उसको first चीज़ क्या सीखनी है, उसको सीखना है पहली responsibility. In a world of possessions, ये जो world full of possession है, materialistic है, हमें हर चीज़ की desire जो देता है ये world के अंदर, उसे सीखना है कि people will take balls and balls will be lost always little boy. People क्या करते हैं, हमारी जो ball है वो हमारी ball क्या करते हैं, ले जाते हैं, हमेशा ले जाएंगे, balls will be lost always, और हमेशा हमारी ball जो है वो घूमने वाली है, little boy, बराबर, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो गुम हो जाएगी, पीपल्स ले जाएंगे हमें धोखा देकर, हमारे पास से छीन कर, स्नैच अवे कर ले जाएंगे हमारे पास से हमारी चीज़ें, ओके। वो प्रॉपर्टी हो, कार हो, बंगलोज हो, पैसा हो, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, सब चीज़ें क्या करने वाले हैं, वो लेकर चले जाने वाले हैं, ओके। सो तो हमारे पास से जितनी भी चीज़ें हैं वो ये हमारे सराउंडिंग के जो लोग हैं वो ले जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट के टू सेंस अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर अवर थिंग्स, अवर प्रॉपर्टी, अवर और मटीरियलिस्टिक थिंग, ओके। सो एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर पीपल ले गए, ह्यूमन बींग्स ले गए हमारे आसपास के, हमारे पास से लोग हमारी बॉल ले गए, हमारे यहाँ पर बॉल्स, दैट मीन्स के ये जो वर्ल्ड फुल ऑफ पोजिशन है, यहाँ पर जो मटीरियलिस्टिक जितनी थिंग्स हैं वो अगर ले गए तो वो पीछे नहीं दे जाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कैसा है, ऑलरेडी पोएट सेड फर्स्ट दैट ये वर्ल्ड पोजिशन से भरा हुआ है, यहाँ पर हर चीज़ की ग्रीड है लोगों को, और अगर वो चीज़ मिल गई दूसरों के पास से छीन के तो वो पीछे बैक तो देने वाले ही नहीं है, बेसिकली इट्स अ ह्यूमन नेचर, ओके। सो मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी कैसा है, एक्सटर्नल है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी जो आँखें है जो अभी कैसी है, डेस्परेट है, अभी बुझी बुझी है, डिसअपॉइंट है ना बच्चा, बराबर, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो, उसकी जो बॉल वाली प्रॉपर्टी, उसके साथ उसकी कई यादें जुड़ी हुई थी,
अभी उस हो सकता है कि वो दूसरी बॉल भी ला के उसको खरीद के दे सकते, बट दैट पर्टिक्यूलर बॉल उसके साथ बच्चे की बहुत सारी यंग एज की यादें जुड़ी हुई थी, तो वो अभी वो चीज़ उसकी गुम हो गई है. सो वो यादें उसकी कहीं गुम हो गई है, दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है उसकी डेस्परेट आइज के पीछे से द एपिस्टियोमोलॉजी ऑफ लॉस, द सिचुएशंस ऑफ लॉस. ओके, हाउ टू स्टैंड अप, गिर कर किस तरह से खड़ा होना है, गिर कर किस तरीके से खड़ा होना है. नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वर्न इन, और हर इंसान को ये चीज़ सीखनी ही है कि एक बार अगर तुम फेल हो गए तो तुमको किस तरीके से बाद में खड़े होना है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. एंड हमेशा बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि जब हमको गिराया जाता है और हमें खुद से खड़े होना है. जब हमें गिराया जाए लाइफ में कोई भी सिचुएशन में, दैट डजंट मीन कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है फिर से खड़े होने का, नहीं, हमारे पास है. फॉर दैट वी हैव टू स्ट्रॉन्ग अवर इनर विल, उसके लिए हमारा इनर विल बहुत पावरफुल होना चाहिए. और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा लाइफ में, हमारे साथ भी होता है लाइफ में. सो क्या करना है, हमें हमेशा, हम पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कि हमारी बिलोंगिंगनेस जो हमारी जितनी चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना है, बहुत सिक्योर करना है, उसको संभाल के रखना है ताकि कोई मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लोग हैं वो उसको स्नैच अप, छीन करने ही ले जाए, वो पीछे भी नहीं देंगे. सो हमें दूसरी चीज़ ये भी सीखनी है कि किस तरह हम अगर गिर जाते, हमारा कुछ चीज़ का लॉस हो जाता है तो उसमें से हमें किस तरीके से खड़ा होना है, फिर वो प्रॉपर्टी हो, वो इंसान हो या फीलिंग्स हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग्स के साथ बहुत सारे कंसर्न्स हैं. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और ये और आगे वाली जो पोएम है, ये दो का मैं पोएटिक डिवाइस जो है वो ऑफलाइन क्लास में कराने वाली हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज़.